दोस्तों रतन टाटा और मुकेश अंबानी शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। प्राइवेट जेट, लग्जरी कार और एंटीला के मालिक अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनियां हैं, लेकिन रतन टाटा की बात करें तो उनके पास 135 कंपनियां से भी ज्यादा कंपनीज है। तो फिर दोस्तों दोनों में से सबसे ज्यादा अमीर इंसान कौन है? वैसे तो आज एशिया के सबसे अमीर इंसान का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है, लेकिन उसी और अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले ले तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि वे अकेले रिलायंस ग्रुप में 48% से भी ज्यादा शेयर्स के मालिक है। तो जाहिर सी बात है, कंपनी का फायदा होने पर आदमी के शौक और वैल्यू भी बढ़ती है। इसलिए तो सितंबर 2020 में अंबानी साहब की नेटवर्थ 88 बिलियन डॉलर्स हो गई थी। और वही अगर बात करें रतन टाटा की, तो टाटा ग्रुप में सिर्फ 1% शेयर्स के वो मालिक है, क्योंकि उनके बाकी के शेयर्स कई और ट्रस्टीज में डोनेट किए हुए है, जो कि मोस्टली इंडिया के एजुकेशन फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक और एग्रीकल्चर और ऐसे अन्य सेक्टर्स में जमा किए हुए है।